Hello, I am Paresh Solanki, International Export Import Trainer. Yes, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा how to import from China. China से कैसे import करना है. तो अगर आप import करना चाहते हो, इंडिया में बहुत अच्छी opportunity import के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी population है, बहुत जो चीज़ें उसकी demand है, बराबर है. तो आप government के rules and regulation के हिसाब से import कर सकते हो, कोई problem नहीं है. हमारी government export को promote करती है, import को facilitate करती है. आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए. वो प्रोडक्ट आपको कहाँ से इंपोर्ट करनी, बहुत सारी कंट्री से भी कर सकते हो, बट सम प्रोडक्ट लाइक फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, वो चाइना से आती. तो चाइना से कैसे इंपोर्ट करना है, तो चाइना से जब आप इंपोर्ट करना चाहते हो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा सप्लायर. चाइना से आपको सप्लायर ढूंढना पड़ेगा. अब वो सप्लायर जेन्यून है कि नहीं है. कई सारे जो लोग हैं यहाँ से कैंटन फेयर में जाते हैं और अलग अलग फेयर में जाते हैं, विजिट भी करते हैं, बट मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूँ, जब तक आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है तब तक आपको जो लोकल भाव है वो नहीं मिलेगा. अगर आपका वहाँ पे आपको चाइनीज़ तो आती नहीं है और चाइना में लोग चाइनीज़ ही बोलते हैं. मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कैसे होता है. मेरे जो पार्टनर है, मेरे जो एक फ्रेंड है, वो है चाइना में, उसने मुझे बताया कि यहाँ पे क्या क्या होता है. वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं. तो उसने एक ऑफिस में बैठे थे और एक इंडियन बंदा वहाँ पे वो ऑफिस में गया और उसके साथ एक लेडीज थी जो चाइनीज़ ट्रांसलेटर थी, जो इंग्लिश का चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके आगे बताने वाली थी. तो वो सर बैठे, वो लेडी बैठी और यहाँ पे जो फैक्ट्री का ओनर बैठा और वो लोग बात कर रहे थे और जो मेरे फ्रेंड थे वो बगल में बैठे थे. तो उसने मुझे बताया कि जब वो चाइनीज़ लेडी बात कर रही थी, पहले ये बंदा इंग्लिश में बोलता था फिर और ट्रांसलेट करके चाइनीज़ जो लेडी थी ओनर से बात करती थी, तो उसमें वो चाइनीज़ में बात करती थी तो मेरे जो फ्रेंड है वो चाइनीज़ समझते हैं. तो वो लेडी क्या बोल रही थी कि मैं इसको लेके आई हूँ, जो ये कस्टमर है उसको मैं लेके आई हूँ, मेरा 20% बीच में रखना, उसके बाद भाव देना. समझ में आ रहा है क्या? वो उसको तो चाइनीज में पता नहीं चलेगा क्या बोला है. तो ऐसे ऐसे भी फ्रॉड होता है मतलब. तो इस हिसाब से पूरा आपको ध्यान रखना है. तो बॉटम प्राइस तो थोड़ा मिलना मुश्किल है, तो आप ध्यान रख के पूरा बॉटम प्राइस निकाल सकते हो. और दूसरा, आप कैंटन फेयर वगैरह में जाते हो वहां पे भी वो बॉटम प्राइस आपको नहीं देते, क्योंकि उसको एग्जीबिशन का खर्चा तो निकालना है ना, उसको एग्जीबिशन का खर्चा तो निकालना है. तो आपको जब कोई लोकल बंदा, अच्छा बंदा मिलेगा तब आप पूरा जुगाड़ करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको बॉटम प्राइस मिलेगा. तो चाइना से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. समझ, कई लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं बट वो बॉटम प्राइस से तो है ही नहीं अभी. तो आपको जो नॉलेज चाहिए, मैं खुद चाइना जाने वाला हूँ, मैं खुद अभी नेक्स्ट मंथ में मैं चाइना जाने वाला हूँ, तो मैं पूरा जान के आपको और भी वीडियोज़ में अपडेट करूँगा. प्रैक्टिकली आपको सीखना है तो हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन भी कर सकते हो. तो चाइना से, तो फिर अच्छा सप्लाई ढूंढिए. और दूसरा आता है फ्रॉड के डुप्लीकेट प्रोडक्ट. देखो मैं आपको बताऊं, चाइना से डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत कम आता है, बट क्या होता है जिसको पता नहीं होता. दूसरा, इंडियन वालों का थोड़ा फॉल्ट भी है उसमें, कि जो पेन 10 रुपए में बनता है उसको बोलते हैं 5 रुपीज में दे दे, तो फिर डुप्लीकेट ही बनाएगा ना. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वालिटी चाइना से कम आती है, लाइक क्वालिटी जो है चाइना का लेस रहता है, क्योंकि इंडियन बंदा मांगी इतने रुपये में लेता है, जो अच्छी क्वालिटी उसमें पॉसिबल नहीं है. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. दूसरा, जब आप कभी इंपोर्ट करो तो इंपोर्ट में क्या होता है, चीटिंग होता है. आपने देखा है कि फ्रॉड करते हैं लोग. तो इंपोर्ट में बता दो आपको कि चाइनीज, लोकल चाइनीज लोग इतना फ्रॉड नहीं करते. हमारे जो इंडियन लोग है वहां पे दूसरे लोग बैठे हैं, इंडियन लोग बैठे वो फ्रॉड करते, वो डुप्लीकेट माल भी आपको भेज सकते. तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है. ट्रस्टेड पर्सन से ही आप बिजनेस करो और उसका जो ट्रस्टवर्थीनेस चेक करो, उसका क्रेडिट कैसा है मार्केट में वैसा चेक करो. एजेंट भी हो तो उसका भी क्रेडिट आप चेक करो, क्योंकि चाइना में आपको पता है लो बहुत सख्त है. तो कोई भी बंदा अगर फ्रॉड करेगा, ऐसा पकड़ा गया, तो उसको सख्त सजा होती है. तो वो क्या होगा, तो फिर यहाँ लोकल बंदे ऐसे करने की ट्राई नहीं करेंगे. तो लोकल जो बंदे, इतना मुझे जो मेरे फ्रेंड है उसने बताया कि प्रैक्टिकली कैसे चाइना में बिजनेस चलता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. और दूसरा, अगर आप ऑनलाइन फाइंड करोगे, बॉटम प्राइस फाइंड करोगे, ऑनलाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां के गूगल की कोई सर्विस नहीं चलती. उसने पूरा अपने आप को पूरा लाइक बंद करके रखा है चाइना ने, कि गूगल की कोई सर्विस वगैरह चलती नहीं. तो इंडिया की तरह नहीं है गूगल की, या पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया वहाँ पे इतना नहीं है. तो आपको प्रैक्टिकली ये सब सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो ऑनलाइन आपको इतना उसके बारे में पता नहीं चलेगा. फिर अलीबाबा पे है वो, बहुत सारे फ्रॉड लोग वहाँ पे रहते हैं, तो ये ध्यान रखो. फिर जो इंपोर्ट करो तब एजेंट वगैरह फ्रॉड कर रहे, चाइनीज लोकल लोग फ्रॉड इतना
नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने की बात है, हमको ध्यान रख के बिजनेस करना है जिससे हमारे साथ फ्रॉड ना हो, फ्रॉड से बचा जाइए। आप खुद भी विजिट कर सकते हो, फिर इंपोर्ट करो, आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रख सकते हो वहां पे, तभी क्योंकि आपका जो क्वालिटी गुड्स आपको मिले, वरना आपको सब स्टैंडर्ड गुड्स मिलेगा जो यहां पे बिकेगा भी नहीं। और बहुत सारे लोग इंपोर्ट करते हैं जिसका सेटिंग हो चुका है, मतलब अच्छा चल रहा है, वो तो बहुत सारे कंटेनर मंथली भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ईयरली भी इंपोर्ट करते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सब अलग अलग लाइक फर्नीचर में है, हार्डवेयर में है, अलग अलग प्रोडक्ट में बहुत सारे लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी है, जो इस हिसाब से मुझे जो नॉलेज है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ, और मैं खुद जा रहा हूँ चाइना विजिट करने के लिए, और वो वहाँ पे भी मैं आपको अपडेट दूंगा। तो आप ऐसे अपडेट जानना चाहते हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, तभी आपको मेरे नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।